तो देखो, उन टाइम वो घोड़ो भगवान श्री कृष्ण पूछे अर्जुन जी के, घोड़ो रोक क्यों? उन टाइम मौका एक छोटे एक बालक द्वारा प्रभु आज हूं पराजित वे गयो, इन मन शिशो है। भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछे अर्जुन जी, हे प्रभु, एक छोटे एक बालक द्वारा हूं पराजित हो गयो, मैंने मो किन चीज रूप पराक्रम हो, किस चीज रूप बल हो, जिनसु मैंने अपहरण कर मन कैद कर पुरान घोड़े सहित ले गयो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी ने कहे, भाई भक्ति रो प्रवाह हो, राजा मोल भजरी नगरी एक भक्तिमय नगरी है, एक धर्म नगरी है, भक्ति रे प्रभाव उसमें एक छोटे एक बालक ने जीत ले गए। अर्जुन जी कहे, प्रभु मैं हुई बतो आप रो कोई भगत क्या? देख ले भाई, अर्जुन जी हट कर ले, या तो आप रे भक्ति परीक्षा ले, मन बताओ कि मैं हूं आगे है, या आज मेरो ये संसार में आज अपमानित हो। महाभारत विजेता अर्जुन एक छोटा एक बालक सु पराजित होने रे कारण लज्जित हो प्रोन आज प्रोन त्याग ला। भगवान श्री कृष्ण देखो, अर्जुन जी रे हट रे बजे हूं धर्म नगरी भक्ति में नगरी, राजा मोर भद्री नगरी में देखो प्रवेश करे, और मोर भद्राजा री शिक्षा वह प्रखंड वास्ते भगत ने जोतन वास्ते देखो सड़े है। तो धर्म राजी जो जमपुरी रा राजा है, बने भगवान श्री कृष्ण बुलावे और एक सिंह बनावे, धर्मराज ने सिंह रूप रे मोय प्यार करे, आप और श्री अर्जुन ब्राह्मणों वेश करे, और देखो मोर राजा रे नगर में जावे। मोर राजा रे नगरी में नगरी की शोभा एक स्वर्गपुरी उसमें कम नहीं ही, रंग बिरंगा पुष्प खिलौड़ा हा, तरह तरह का रंग बिरंगा पौधा, जगह जगह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, धर्मशालाओं गौशालाओं अनेक प्रकार की दौनशालाओं, जगह जगह गीता पाठ कथा कीर्तन हरि सुमरण देवी देवताओं का मंदिर, और एकादशी का व्रत, मतलब पूरी एक धर्ममय नगरी तो नजर सामने आ गई। अर्जुन मन में विचार करे, भला भगवान इन नगरी राजा की शिक्षा लौंगा। जो ही नगर में प्रवेश करे, नगरी रा लोग सामने दौड़े, कोई रेजा बिसावे, कोई छापा बिसावे, कोई हाथोरा बिसावना करे, आहो भाग्य हमारा आज हमारे नगर में संत मेहमान आया। उन टाइम में धर्मराज जी जो शेर बनो रहा दहाड़े, शेर की आवाज सुन प्राण लोग भागे, ओहो अजीब सा संत है। कई संतों कने गाय हुए, कई कने नौंदिया हुए, कई कने कुत्ता हुए, लेकिन ये शेर वाला साधु तो पहली बार देखे आए। आपस में नगर वासी होट लागे, महाराज मारे गिरे पधारो, मारो आंगणो पवित्र करो, मारो घर पवित्र करो, मारा भाग उदय हुआ है आप पधारियो। उन टाइम में भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण ने वेश में कह, भाई हट मत करो, मारे हाथ एक तीजो संत है शेर, और वो भूखो है, इन्हें भोजन रे वास्ते आप प्रबंध करो, तो थारे आंगणे में हाल भोजन कराओ। क्या महाराज बताओ वो कहीं खावेला? उन टाइम के गो मांस या मिनख रो मांस खावे है। उन टाइम निराश होकर नागरिक, देखो ऐसी नहीं दे सको, और मन ही मन रे मो पिस्ताओ करे, मारो कोई कड़ो कुभाग के भे पूर्व जन्म में खोटो काम कियो, द्वार मत एवडा संत भूखा जावे, साधु भूखा जावे है, आज मारो भाग हेल जावे है, लेकिन कियो के जावे। इन प्रकार देखो नगर में प्रवेश करे राजा मोर ध्वजरी नगरी में, राजमहल रे आगे जा प्रांत तीनों संतला खड़ा हुए। उन टाइम द्वारपाल ने जान के, जाओ आपने राजन मोर ध्वज ने को द्वार माते साधु आया है रसोई करनी। मोर ध्वज ने इन बात उठा पड़े, दौड़े दौड़े जावे, उलभोने पगे दौड़ प्रांत संतोर चरण स्पर्श करे, संतोर चरण खोल प्रणामत दे, राजमहलों में छोटो नौके और कहे, ओ भाग्य मेरा आज संतोरो आगमन हो, पधारो पधारो संतो पधारो रसोई करो। उन टाइम में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में, राजा मोर ध्वज ने कहे, भाई यो भोजन नहीं करो, अड़ा तेरे जड़ा कई राजा अड़ा आया, मारे हाथ एक तीसरो शेर है, इन शेर के वास्ते
आप भोजन की व्यवस्था कर सको तो ही करवानी तो जाऊँ। महाराज हुक्म करो, महाराज बोल फिर क्या है उन टाइम के, या तो गोमांस या आप इकलौते पुत्र तामर ध्वज को काट कर इस भूखे शेर को खिलाओ तो ही अट रसोई करो, अंतर नहीं करो। राजा मोर ध्वज मन विचार करे गो मांस मैं दे प्रो तो मुँह आखिर कटे छूटूला, रही बात मेरे इकलो तो लाल तामर ध्वज इन्हें भी उखियां दे सकूं, जिते तो सती पदम कमार पहुंच जावे। राजा ने के विचार मत करो, द्वार माता संत आयोड़ा अगर भोगा गया प्रा तो नरक में जगह नहीं मिलला, नहीं तो आप रोहित लो ने लाल नहीं न्योछावर कर दो। माँ तो पेट दुख नहीं जा मन मर जावे, अब मेरे लाल रो पद मौके है भूखे शेर रे पेट में इनो शरीर मांस से ही शरीर जावेला, उन टाइम परमात्मा और मेरे लाड ले रो शरीर आडो आई जित मोटो भाग है। तो देखो एक बाजोट लावे, बाजोट रे ऊपर तामर ध्वज ने रतन कमरिया ने बैठा है। भगवान श्री कृष्ण का एक साइड में मोर ध्वज पकड़ला, एक साइड में पद्म और दोनों ही आपने लाल ने दो तीर प्री दो भाग करो, एक भाग भूखे शेर को खिलाओ, दूसरो भाग आप मेला में सन होने तंगी रहे वाला। अगर आंखों में आंसू आ गयो तो नहीं करूंगा रसोई, आई कुमारी शरत है। शरत ने सिर ऊपर आता थका, बाजोटर माते लाल रतन कंवरिया ने बैठा है। उन टाइम तामर ध्वज दूसरो नाम रतन कंवर मन में हस प्रोन बाजोट माते बैठे और कह गए हो प्रभु आज मेरो बड़ो भाग्य होते हुए है उसमें मेरो शरीर एक परमात्मा काम आवेला। शरीर दो भाग करे, एक भाग भूखे शेर ने खिला दे, दूसरा भाग मेल में टोंग दे बिन टेम रानी पद्म रे अंतर में टप टप आंसू फुले। भगवान श्री कृष्ण के अठारह दो रसोई नहीं कमला, आंखों में आंसू क्यों आया उन टेम पद्म के राजन, महाराज मेरे लाल रे बिछुड़े से आंसू नहीं आया है, मेरे लाल रो आधो भाग भूखे शेर रे काम आयो, आधो आकार क्यों पर फालतू पड़ियो है, और ये अगर शेर खा ले तो पूरा शरीर परमात्मा काम आप। श्री कृष्ण अर्जुन जी ने कह देख इन्हें कह भगत धन्य है। श्री कृष्ण जी ब्राह्मण वेश में कहे पद्मों ने रसोई की तैयारी करावे, तरह तरह का व्यंजन बनावे, 36 प्रकार का भोजन 32 व्यंजन तैयार करे। भगवान श्री कृष्ण जी के चार तो थाली में भोजन लाओ। पद्म मने विचार करे एक राजा ने मैं दो और दो या संत पांच मुखिन जिमावला, पांच थाली दान हजर कर बिन टाइम कह रतन कमल ने बुला प्राणी पद्म के महाराज मेरे हाथ में भूखे शेर शेर ने खिलाए हो, अब रतन कमर कठो आवेला। उन टाइम कह मेरो हुक्म टला को नहीं बुला तू आवेला रतनियो, माजीरो कमरियो देखो पद्म रो लाड लो नन्नो मुन्नो रतन कंवर तामर ध्वज गो ग्रह बचाव तो सको, बट संत मंडली में पहुंचे है और आज संत सेवन हाजिर हुए। उन प्यार मोर पहुंचो प्राणी भोजन करे, भगवान श्री कृष्ण आप असली रूप करने गया धन्य है मोर ध्वज, तेरी भक्ति इन तीन लोक ने जगधोर कर दियो। अर्जुन जी ने देख ले मित्र इन्हें कहे भगत। उन टाइम भगवान श्री कृष्ण मोर ध्वज ने कह राजन कोई मांगण तो मांग लो, फिर लोग तेरे ऊपर न्यो सब रहे। उन टाइम के भगवत साक्ष साक्ष आप मेरे सामने खड़ा हो, बाकी यदि की चीज रही है राजन तुम आप तुम्हें मांगो, पर आई मांगू हूँ कि आने वाले टाइम में मो एड़ी कोई भक्ति री परीक्षा दूजे मत दे दो, नहीं तो परीक्षा में पार होमो अब कौन है। ये तो कैप्रो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और धर्मराज जी जो कि सिंह रूप में है तीनों ही अटवंतर ध्यान गए। मोर ध्वज राजा कांवरिया ने खोले में खेला होता थका, रतन कमल ने गोद में लेता थका, आप रो राजपाल संभाल लें। बोलो राजा मोर ध्वज की जय हो।